अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो दिस इज़ आवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ सोशल स्टडीज इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिविलाइजेशन दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू टू कंट्रीज विच इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट सिविलाइजेशन विच केम इन दिस एरिया एंड सेटल डाउन। जो एशिया है, जिसका लैंड है, ठीक है, द लैंड ऑफ एशिया, यहाँ पे बहुत सारे सिविलाइजेशंस आई। नाउ यू कैन से इन प्रेजेंट पाकिस्तान इन प्रेजेंट इंडिया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी उनसे पहले जो यहाँ पे आई। और वो यहाँ पे क्यों आती थी? वो बिकॉज ऑफ द फर्टाइल एरियाज, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। दे कैन डू इजली देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन दीज एरियाज, और यहाँ पे पानी भी अवेलेबल था, सो दे कैन ईजली कैरी आउट देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इस वजह से वो यहाँ पर आके सेटल डाउन होते थे। और यही रीज़न है कि हमें जो पाकिस्तान में है, वास्ट कल्चर मिलता है। दे आर डिफरेंट कल्चर्स इन पाकिस्तान, हर प्रोविंस का अपना कल्चर है। नॉर्दर्न इंडिया में चले जाएँ, अपना कल्चर है, बहुत सारी ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं। सो ये सारा ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सिविलाइजेशंस आके रह चुकी हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी मिलती है इन कल्चर, इन लैंग्वेज, इन ट्रेडिशंस। दिस इज़ द रीज़न। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा। These two cities were discovered in Pakistan by the archaeologist. The Indus Valley civilization has been categorized in two cities, that were Mohenjo-daro and Harappa, and it was on a very vast level. Two cities were discovered, that were Mohenjo-daro and Harappa, but it was spread on a large area, almost all over the Pakistan and towards the east, eastwards of the Delhi. You can, this is the aerial view of Mohenjo-daro, you can see here. जो लोग इन इस एरिया में रहते थे, इस सिटीज में रहते थे, बेसिकली दीज पीपल वर नोन एज ड्रेवडियंस, एंड इट्स एरिया वॉज अराउंड अबाउट 7 kilometers, एंड इट्स मेन स्ट्रीट्स वर 9 meters wide. This is the area of Mohenjo-daro. You can see in this picture too. Picture. These are the remains of Mohenjo-daro. This is the bath at Mohenjo-daro. Nowadays, these kinds of baths have been made, but the civilization which exists around about 4,500 years ago, they have such kind of bath here. You can see in this picture. One of the unusual thing in this civilization is toilets. का कंसेप्ट बहुत लेट से आया है। अर्लियर पीपल दे डोंट हैव कंसेप्ट ऑफ टॉयलेट और वॉशरूम्स, ठीक है, बट द सिविलाइजेशन ऑफ मोहेंजोदड़ो, यू कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर रिमेन्स टोल्ड दैट दे पीपल हैव टॉयलेट इन एंड बाथरूम्स इन देयर हाउसेस। दे हैव वेल प्रॉपर कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम एज वेल। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट सिविलाइजेशन एवर विच हैव बीन डिस्कवर्ड राइट Now, the houses that were that are in these villages were made up of bricks, and the profession of the people living in these areas were mostly farmers. ठीक है, वो क्या था? वो गंदम उगाते थे, दालें उगाते थे, ठीक है। These were barley, wheat, sesam, lentils, and peas. These are the things that have been grown by the farmers of Indus Valley civilization. One of the most mysterious things about this civilization is ki inki jo language hai, look at, if we talk about this seal with mystery writing, jo writing discover hui thi inki khudai ke duryan, theek hai, inke remaining se jo writing mili hai, us writing ko aaj tak koi read nahi kar paya. This is the really mysterious thing about this civilization. The people of this civilization, ना तो उनके पास कोई मेटल था एक्सेप्ट अ लिटिल बिट गोल्ड, लिटिल बिट कॉपर एंड ब्रॉन्ज, क्योंकि उनके जो टूल्स दैट वर
डिस्कवर्ड ड्यूरिंग देयर ना ही कोई कॉइन्स और मनी डिस्कवर्ड हुई थी ड्यूरिंग देयर डिगिंग अप. सो मोस्टली उधर क्या था, उधर भी बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स. Look at this picture. Not everything disappeared from the Indus Valley civilization. This little model ox cart was found among the ruins of Mohenjo-daro. Perhaps it was a toy or an offering to God. One of the rites is an ox cart from the Indus Valley today. Look at this toy. This have been discovered. जब उसकी खुदाई की गई तो, और nowadays this is the actual form. अब ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई ऐसा समझा जाता है, ठीक है, कि कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था, देयर वॉज अ डिज़ास्टर जिसकी वजह से उनके घर सारा कुछ तबाह हो गया था. और जब उस सिटी को दोबारा रीबिल्ड किया गया था तो लोगों ने अपनी ही मर्जी की थी, देवर नॉट प्रॉपरली बिल्ड अप, ठीक है. और साइंटिस्ट इसको अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है. अभी बहुत सारे मतलब इसके बारे में व्यूज़ हैं, नोबडी हैज़ एवर फर्म थॉट कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है. कुछ कहते हैं कि मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर वर पीपल वर अनएबल टू ग्रो क्रॉप्स देयर, सो दैट्स व्हाई दे डिडंट केयर अबाउट देयर सिटी एनी मोर. आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि लोग वहाँ से चले गए थे और बिल्डिंग जो थी वो तबाह हो गई थी. दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द पीपल हु वर living in Mohenjo-daro and Harappa cities. So the remainings of these cities told us all these facts about those cities. So this is all your today's lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.